हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और आप सभी का स्वागत है रूपल्स किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही पूरी की रेसिपी। अक्सर हम जब भी पानी पूरी खाने जाते हैं दही पूरी ज़रूर खाते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसे आज हम घर पर बनाते हैं। दही पूरी बनाने के लिए हम लेंगे एक उबला हुआ आलू, उसे मैश कर लेंगे, एक कप गाढ़ा दही, नायलॉन सेव, इमली की चटनी। चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। शक्कर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और क्रिस्पी पूरी। ये जो पूरी है ये मैंने घर पर बनाई है, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सबसे पहले हम दही में शक्कर मिलाकर रख देंगे। दही एकदम गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें शक्कर मिलाते हैं तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। फिर उसके बाद हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। आलू में हम थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और बहुत थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। इसे मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सिर्फ आलू के फ्लेवर के लिए हमने इसमें थोड़ा सा मसाला लिया है। फिर सारी पूरी में होल करके इसमें एक एक चम्मच आलू भरेंगे, फिर इसमें दही डालेंगे, इमली की चटनी, आधी आधी चम्मच इमली की चटनी डाली है मैंने यहाँ, अपने फ्लेवर टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर इसे हम थोड़ा सा दही डालकर डेकोरेट करेंगे और एक चम्मच इमली की चटनी। गार्निशिंग करने के लिए नायलॉन सेव और हरा धनिया। हमारी दही पूरी की प्लेट बनकर रेडी है। इसे खाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।